यमुनानगर में राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेला 15 नवंबर से शुरू होगा, जबकि मुख्य स्नान 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होगा। इस मेले में हर साल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। पिछले वर्ष कोरोना के चलते यह मेला आयोजित नहीं हो पाया था। मेले में अभी से श्रद्धालुओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां लगातार 5 दिन तक पूजा अर्चना करने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। मंत्री जी के प्रयासों से मेला लगा है और श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ेगी इससे, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते। जो भी इत्थों दा इतिहास है सानू ये बहुत वधिया लग्या। जदों दे असीं आउण लगे महाराज ने सानू बहुत दातां दित्तियां ते बहुत वधिया इतिहास है। तैन इत्थे सरोवर है। गाय बछड़ा घाट मंदिर के पुजारी व मेला प्रशासक SDM बिलासपुर का कहना है कि मेले को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कम से कम भी 7-8 लाख यात्री आने की संभावना है, और हमारा तो यही संदेश है, कोरोना महामारी का पालन करते हुए स्नान करें, खूब दान करें, पुण्य करें और पुण्य के भागी बने।